सो ऑलवेज फ्रेंड्स फर्स्ट फाइंड आउट कि हम कौन सी करेंसी का प्रीमियम या डिस्काउंट निकाल रहे हैं. करेंसी बी का निकालना है तो पहला फॉर्मूला एफ माइनस एस अपॉन एस इंटू 12 बाई एन इंटू 100 और वहां पे हम यूज करेंगे ओनली आस्क रेट्स. और करेंसी ए के लिए निकालना हो तो वी यूज दिस फॉर्मूला वेयर वी यूज बिड रेट्स. दोनों ही आंसर्स में जिस करेंसी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अगर उसका आंसर पॉजिटिव आता है तो वो करेंसी प्रीमियम पे है. बी का आंसर पॉजिटिव आए तो बी प्रीमियम पे, ए का पॉजिटिव आए तो ए प्रीमियम पे. बट जिस करेंसी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसका आंसर पॉजिटिव आए तो वो प्रीमियम पे, नेगेटिव आए तो डिस्काउंट पर है. दैट करेंसी हैज डिस्काउंट. How many dollars should a firm sell to get rupees 49.5 million after 2 months? B currency kaun si hai hamari yahan pe? B currency is dollar. And what are you doing with dollar? Dollar ko aap sell kar rahe ho. Sell kar rahe ho matlab left rate lagani hogi. Left rate lagani hogi. Aur 2 mahine baad ke left rate, 2 months left rate is 49.50 rupee per dollar.
दो महीने बाद की बिड रेट, डॉलर आप सेल कर रहे, सेल मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब 49.50, एंड सो द आंसर इज 49.5 मिलियन रुपी डिवाइडेड बाय 49.5 रुपी पर डॉलर। अगर हम चेक भी करें यूनिट के हिसाब से तो ये रुपी और रुपी कट जाता है और डॉलर आंसर बच जाता है। सो आंसर इज डॉलर टू बी सोल्ड इज इक्वल टू हाउ मच, ये रुपी रुपी कट जाएगा, डॉलर ऊपर आ जाएगा, मिलियन रह जाएगा, $1 million इज द आंसर फॉर पार्ट ए। How many rupees the firm required to pay to obtain US dollar in the spot market? A spot market है dollar मतलब B currency purchase, purchase का मतलब right rate, और right rate का मतलब है spot market में 49.05 रुपी per dollar। एक डॉलर का 49.05, तो $2 लाख का